डॉक्यूमेंट तो आपके ठीक हैं, लेकिन हमारे यहाँ जॉब का एक रूल है कि जीके के लिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने उन क्वेश्चनों के सही आंसर दे दिए तो आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये कि एक हाथी है, उसे एक फ्रिज में रखना है, तो बताइए आप कैसे रखेंगे? सर, हाथी कभी फ्रिज में आ ही नहीं सकता। अनु जी, ये आपका गलत जवाब है और पहला क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया। सही आंसर ये था कि वो फ्रिज बहुत बड़ा है, उसका गेट खोलेंगे और हाथी को उसमें रख देंगे। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आप किसी भी एक का आंसर दे देंगे, जॉब कंफर्म समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक गधे को हम फ्रिज के अंदर कैसे रखेंगे? ओह, वेरी सिंपल सर, फ्रिज का गेट खोलेंगे, गधे को अंदर डाल देंगे। अनु जी, उसके अंदर तो पहले से हाथी है, पहले हाथी को बाहर निकालेंगे फिर गधे को उसके अंदर रखेंगे। हेलो अनु जी, अब आपके पास लास्ट चांस है, अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको आंसर सही देना पड़ेगा। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि जंगल में बंदरों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसमें सारे जानवरों को बुलाया गया, सिर्फ उसमें एक जानवर नहीं आया, बताओ वो जानवर कौन सा? शेर सर, ये तो बिल्कुल सही आंसर होगा मेरा, क्योंकि वो शेर को बुलाएंगे नहीं, अगर शेर आ गया तो वो सारे जानवरों को खा जाएगा, सिंपल। शेर नहीं, गधा नहीं आ पाएगा, क्योंकि गधा कहाँ है, गधा तो फ्रिज के अंदर है। सॉरी अनु जी, आपने सारे आंसर गलत दिए हैं, ये जॉब हम आपको नहीं दे सकते। सर एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए प्लीज, मैं राइट आंसर दूंगी उसका, प्लीज एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए प्लीज सर प्लीज। ये फंस गया सी है। चलिए अनु जी, अगर आप इतना कहते हैं तो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। एक नदी में मगरमच्छ रहता है, आपको उस नदी को पार करना है, बताइए आप कैसे करेंगे? नाव से सर, नाव से पार कर लूंगी मैं नदी को। सॉरी अनु जी, ये भी आंसर आपका गलत हो गया है, क्योंकि आप आराम से तैर कर उसे पार कर लेंगे। आपने तो बोला था कि उसके अंदर मगरमच्छ है, और अगर मैंने तैर के पार की तो वो मुझे खा नहीं जाएगा। बात तो सही है। नहीं जी, मगरमच्छ तो बंदरों की पार्टी में है। तो